स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की ये वीडियो उन छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो इस बार ऑट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो BTUP से हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो हमारा जो बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसने 7 जनवरी से आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो जारी की थी कि 7 जनवरी से आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, लेकिन अब आपके एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, एक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हाँ जी, आपकी जो एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी सब नहीं होंगे, आपके एग्ज़ाम्स को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो छात्र मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो एक न्यूज़ निकल के आई है सामने, जो आज के न्यूज़पेपर में लिखा कि परीक्षाएँ सिर पर, पढ़ाई केवल महीना भर। प्रदेश भर पॉलिटेक्निक संस्थानों में 7 दिसंबर तक हुए हैं दाखिले, 7 दिसंबर तक हुए हैं दाखिले, 7 जनवरी से परीक्षा कराने की तैयारी में प्राविधिक शिक्षा परिषद। ठीक है, आप पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं, आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। लिखा है प्राविधिक शिक्षा परिषद परीक्षा प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में सिलेबस पूरा कराए जाने के बिना ही परीक्षा कराने की तैयारी में है। 7 दिसंबर तक संस्थानों में दाखिले हुए हैं और 7 जनवरी 2023 से संभावित परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस कारण पहले वर्ष में दाखिले लेने वाले छात्र परेशान हैं। संस्थानों में खाली सीटों पर 7 दिसंबर तक 12वें राउंड की काउंसलिंग में दाखिले लिए गए हैं। अभी तक पहले साल में दाखिला पाने वाले छात्रों की एक माह भी पढ़ाई नहीं हो पाई है। नियमित 90 दिन की पढ़ाई के बाद पेपर होने चाहिए, ऐसे में छात्र फेल होने के डर से परेशान हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने विरोध जताना भी शुरू कर दिया है। परिषद ने विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षा का संभावित कार्यक्रम जारी किया है। बोर्ड के सचिव FR खान ने प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य और निर्देशकों को पत्र लिखकर कहा है कि अपलोड परीक्षा कार्यक्रम एक का भलीभांति परीक्षण कर लें, किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी विषय की परीक्षा छूट रही है तो उसकी सूचना 31 दिसंबर तक परिषद को दें। सचिव के पत्र से साफ है कि यदि कोई त्रुटि सामने आती है तो 7 जनवरी से पहले उसमें संशोधन करने के संभावित परीक्षा कार्यक्रम को ही अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, और लिखा है ये बैकफुट पर सचिव बोले परीक्षा 25 से। ये बहुत बड़ी अपडेट है, आपको जो पॉलिटेक्निक की जो परीक्षा है वो अब 25 तारीख से होगी, जो हमारे सचिव जी हैं FR खान, उन्होंने भी बताया। लिखा है सोशल मीडिया पर छात्रों के विरोध के बाद परिषद बैकफुट पर आ गया है। परिषद के सचिव FR खान ने कहा है कि वेबसाइट पर अपलोड परीक्षा कार्यक्रम संभावित है, सिलेबस पूरा कराए बिना परीक्षा नहीं होगी, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ 25 जनवरी से कराई जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, आपको जो एग्ज़ाम था जो वो पोस्टपोन्ड हो चुका है फाइनली, और बहुत सारे बच्चे खुश होंगे, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिसका भी एग्ज़ाम, जिसकी भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, अपना सिलेबस पूरा कीजिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो 7 से नहीं होगा, डेट शीट चेंज कर दी जाएगी 1-2 दिनों में, आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 जनवरी से कराया जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ रहे हैं मेरे चैनल के साथ, टाटा बाय बाय।